फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमें एक बार फिर अपने देश पर गर्व करने का मौका मिल गया है क्योंकि हमारे देश के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है जीएसएलवी मार्क 3 को लॉन्च करके। और दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ जीएसएलवी मार्क 3 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उसको द्वारा ले जाई गई सैटेलाइट जीसेट 19 की बहुत ज्यादा बात हो रही है पूरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आगे जब इस वीडियो देखते रहिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोनों चीजों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं टेक्नोस्फीयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊंगा जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में, उसके बाद जो उसके द्वारा सैटेलाइट ले जाई गई है जीसेट 19 उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं जीएसएलवी मार्क 3 की। अगर मैं इसका आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसकी फंक्शन है लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, यानी कि कोई भी सैटेलाइट या फिर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का इसका काम है। मतलब इसका मैनुअली काम है इसको स्पेस में किसी को ले जाना, सैटेलाइट या फिर एस्ट्रोनॉट को। फ्रेंड, इसके मैन्युफैक्चरर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कॉस्ट पड़ती है पर लॉन्च की लगभग 400 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। और हाइट है इसकी 43.43 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम डायमीटर इसकी बात करें तो वो होती है 4 मीटर की। अगर मैं इसकी मास की बात करूँ 6,40,000 kg की है। अगर मैं इसकी लॉन्च साइट बताऊँ आपको, द सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पे आपको मिलती है आंध्र प्रदेश में, इंडिया में। सतीश धवन स्पेस सेंटर SLP आंध्र प्रदेश इंडिया में है। टोटल लॉन्च जो इससे की गई है 2 की गई है और दोनों सक्सेसफुल हुई है। एक हुई थी 18 दिसंबर 2014 में जो कि सब ऑर्बिटल थी, और जो इस बार की गई है 5 जून 2017 को वो ऑर्बिटल है। दोनों सक्सेसफुल हुई है। इसकी पहले जो बताई गई थी, इस पे काम बहुत दिन पहले से चल रहा था, 2000 से ही चल रहा था, और इससे कहा गया था कि 2010 में इससे एक लॉन्च होगा सैटेलाइट, लेकिन कुछ खामियों के कारण 2010 में नहीं हो पाया था। इसके बाद वो 2014 में किए थे। फिर इसका मैं आपको अगर फ्यूचर बताऊँ, फ्यूचर में इससे और क्या क्या लॉन्च होने वाली है, तो ये लगभग 18 मार्च 2020 को यहाँ पे लॉन्च होने वाली है GSAT-20। तो फ्रेंड्स, ये देखने को ये प्लान किया गया, अभी देखते हैं लॉन्च होता है या नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में, जो एक रॉकेट है जिससे द्वारा ले गए GSAT-19। अब मैं आपको बताता हूँ GSAT-19 जो एक सेटेलाइट है। तो फ्रेंड्स, GSAT-19 एक सेटेलाइट है जो कि जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा ले जाई गई है। इसका अगर मैं आपको मिशन टाइप बताऊँ तो इसका मिशन टाइप है कम्युनिकेशन के लिए इसको भेजा गया। मतलब इसे कम्युनिकेशन में मदद लिया जाएगा, जैसे कि टीवीज, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, और भी बहुत ज्यादा चीज जो कम्युनिकेशन में आती है। अगर मैं इसकी मिशन ड्यूरेशन की बात करूँ तो 10 ईयर का इसका मिशन ड्यूरेशन प्लान किया गया, 10 सालों का। और इसका मैन्युफैक्चरर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी लॉन्च मास की बात करूँ, लॉन्च मास हो गई है 3,136 kg। और जब ड्राई मास, यानी कि जो लॉन्च होने के पहले की जो मास थी, इसमें कुछ एडिशनल चीजें नहीं जोड़ी गई थी, उस टाइम का था इसका मास 1,394 kg का। तो 2,000 का लगभग kg बढ़ा है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो यहाँ पे पावर इसकी है 4,500 वाट्स की। अगर मैं इसकी मिशन स्टार्ट कब से हुआ तो वो बताता हूँ, कल ही हुई है, 5 जून से स्टार्ट हुई है मिशन, और ये लगभग 10 सालों तक अभी चलेगा, जो कि स्पेस में चलेगा। और इसकी रॉकेट जो रॉकेट से लॉन्च हुई है वो है जीएसएलवी मार्क 3 जिसके बारे में मैं आपको पहले बताया था। अगर इसकी साइट लॉन्च साइट बताऊँ तो वही है सतीश धवन SLP आंध्र प्रदेश इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कॉन्ट्रैक्टर बताऊँ तो वो इसरो है, तो इसरो रह गई। रेफरेंस सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो जियो सेंट्रिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सैटेलाइट जो रहने वाली है वो अर्थ के ऑर्बिट के ही अंदर रहने वाली है। जियो सेंट्रिक का मतलब यही होता है कि अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही रहेगा कोई सैटेलाइट। अगर कोई भी सैटेलाइट बोला जाए आपको कि जियो सेंट्रिक है वो उसका रेफरेंस सिस्टम, तो वो अर्थ के ऑर्बिट के ही अंदर ही काम करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी रिज्यूम आपको बताऊं तो जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि अगर कोई सैटेलाइट भेजा गया जियो सेंट्रिक हो, स्पेस नहीं, अर्थ के ऑर्बिटल के अंदर हो, और उसका क्या होता है कि उसका जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो इक्वल होता है रोटेशनल स्पीड अर्थ के, यानी कि दोनों का स्पीड सेम हुआ। मतलब तो अगर कोई आदमी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई अपने आदमी को भेजता है बाहर, तो उसको वो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा दोनों के रिस्पेक्ट में, अर्थ और दोनों सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी दिखेगा बाहर, अगर स्पेस से हम उसे देखते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका बताऊँ तो सैटेलाइट ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है, नॉर्मली वेदर कम्युनिकेशन ये सब के लिए जियो सेंट्रिक और जियो स्टेशनरी लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी मैंने दोनों आपको बारे बताई दोनों बारे में आपको बताया। और फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं
GSLV Mark 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है फ्रेंड्स। इससे माना जा रहा है कि निसार जो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, ये तो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके बारे में। तो निसार जो लॉन्च होने वाला है वो भी इसी से लॉन्च होने जा रही है। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि नासा अमेरिका हमें दबा कर रोक देती थी, इस बार वो हमें हमारे पास आके वो मदद ले रही है हमसे भी। तो फ्रेंड्स हम लोग समझ सकते हैं क्या कहाँ हम लोग का लेवल पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।